नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दिनांक 29 मई 2023 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर परासियाहार में एक पुराने अनुपयोगी कुआं के अंदर अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जो तत्काल मौके पर पहुंचकर अज्ञात शव को कुएं से बाहर निकाला गया, जिसके हाथ पैरों में बोरियों को और साड़ियों में बंधे पत्थर थे। उक्त शव की पहचान परिजनों द्वारा राजकुमार यादव निवासी मठबोना के रूप में की गई, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2022 को थाना डीमरखेड़ा में दर्ज कराई गई। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल टीम द्वारा किया गया। थाना डीमरखेड़ा में मर्ग जांच और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या का अपराध घटित होने से थाना डीमरखेड़ा में अपराध क्रमांक 244/23, धारा 302-201 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज केडिया और एसडीओपी मानिका तिवारी के निर्देशन में थाना डीमरखेड़ा के नेतृत्व में टीम का गठन कर संदेहियों से पूछताछ की गई, जो विवेचना के दौरान पूछताछ और आए हुए तथ्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतक राजकुमार यादव और आरोपी गणों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गांव में पूर्व में मध्यस्थता बैठक की गई थी, जिसका विवाद सुलझ न पाने से उक्त घटना को मृतक और आरोपी गणों के बीच विवाद हुआ, जो विवाद के चलते आरोपी धीरज यादव द्वारा लोहे की जरकटना से सर पर चोट की गई, जिसमें राजकुमार यादव की मृत्यु हो गई, जो धीरज द्वारा शव को अपने खेत की झोपड़ी के पास छुपा दिया गया और रात्रि में अन्य दो आरोपी गण नीरज और राजेश के साथ मिलकर परासियाहार में बने रमेश कोल के पुराने कुएं में हाथ पैर बांधकर और बोरे में पत्थर बांधकर फेंक दिया गया। प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई कि पुराने कुएं में रामपुर परासियाहार में एक शव प्राप्त हुआ है, जिसकी जाकर जांच थाना प्रभारी भीमनपुरा और थाना भीमनपुरा की पुलिस द्वारा की गई। मर्ग जांच के उपरांत उस पर, क्योंकि शव की स्थिति जो थी वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर उसके हाथ बंधे हुए थे और उसके शव को पत्थर बांधकर कुएं में फेंका गया था, तो मर्ग जांच और आय तथ्यों के आधार पर थाना भीमरखेड़ा में अपराध क्रमांक 244/23 पंजीबद्ध किया गया, धारा 302-201 के तहत। इसी घटना की विवेचना क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए थाना प्रभारी डीमरखेड़ा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने काफ़ी तत्परता से काम करते हुए उक्त घटना का खुलासा किया कि जो उक्त शव जो था वो राजकुमार यादव का था और इस राजकुमार यादव का जो अपने गाँव में रहने वाले कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था, इसी विवाद के चलते घटना दिनांक को जो आज से लगभग 5 या 6 महीने पूर्व का है, इनके बीच में वाद विवाद हुआ और आरोपी गणों के बीच में हुए वाद विवाद से आरोपी धीरज जो जिसने इसके सर पर एक प्रहार किया जिससे इसको चोट हुई और इसकी मृत्यु पाई थी। धीरज ने उक्त शव को दिन के समय में अपने घर पे जो मड़ैया थी उसी को छुपा के रखा था और रात के समय पे अपने अन्य दो भाइयों के साथ मिलकर, जिनका नाम नीरज और राजेश है, इसको कुएं में ले जाकर फेंक दिया। और क्योंकि शव की सूचना किसी को ना मिले, इसकी जानकारी किसी को ना हो, तो उसके साथ पत्थर बांध दिए और उसके हाथ पैर भी बांध दिए। मुख्य रूप से अभी तक की विवेचना में ये पाया गया है कि विगत साल डेढ़ साल से इनके बीच में वाद विवाद चल रहा था पारिवारिक विवाद कुछ विशेष कारण से, जिसकी सूचना ग्रामवासियों को दी थी, इस वजह से विवाद बढ़ जाने से उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पूर्व में कोई अपराधी जैसे कार्य किए हैं जानकारी? अभी विगत तक थाने में ऐसी कोई सूचना नहीं है।